ट्रैवलिंग के दौरान आउटडोर कुकिंग का एक अपना ही मज़ा है। और आज हम इसके आज के इस हमारे प्रोग्राम में आपको होटल एम्पीरियल ग्रैंड एम्पीरियल में हम आपको नाइट कुकिंग की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पे हम इस वक्त फ़िश कढ़ाही या फ़िश का सालन तैयार कर रहे हैं। धनिया में ऑयल डाल के मछली को फ्राई किया जा रहा है। फ़िश को फ्राई करने के बाद उसको बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ इसमें मसाला तैयार करके दोबारा फ़िश को इसमें डाला जाएगा। हमने कुछ तीन प्याज हैं उनको काट के रखा गया है, चार पांच टमाटर हैं, थोड़ा सा अदरक है और दो तूड़ियाँ लहसुन की हैं। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है और धनिया है। सबसे पहले ऑयल में प्याज डाल के उसको फ्राई किया जाएगा। फ्राई होने के बाद उसमें अदरक और लहसुन शामिल करके और कुछ मसाला जात शामिल करके उसको भुना जाएगा। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर उसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद जब हमारा मसाला कुछ रेडी हो जाएगा तो उसमें फ़िश डाल के उसको मज़ीद फ्राई किया जाएगा। हमने फ़िश फ्राई करने के बाद यानी सिर्फ ऑयल में फ़िश फ्राई करने के बाद एक साइड पर रख दी है और अब ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे। हमारे साथ शेफ़ नईम मौजूद हैं जिनकी कुकिंग बहुत नहायत आला, खुश जायका और नए टेस्ट की होती है। प्याज डाल के उसको अब कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज थोड़े से फ्राई करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन शामिल किया जा रहा है। अदरक ही डालने सिर्फ प्याज फ्राई करने के बाद इसमें अदरक शामिल किया जा रहा है और फिर दोनों को मिला के अच्छी तरह ब्राउन किया जाएगा। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल करेंगे और फिर इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाया जाएगा। अदरक लहसुन और प्याज को फ्राई करने के बाद उसमें हम टमाटर शामिल कर रहे हैं। मसाले में ये आखिरी आइटम था, मसाले में नमक शामिल किया जा रहा है। आप हसबे जायका इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। बहुत है। काली मिर्च भी है, एक चम्मच इसमें, एक चम्मच गरम मसाला शामिल किया है, तकरीबन एक चाय का चम्मच जो है इसमें हल्दी डाली है। बहुत है। इसके साथ इसमें एक खाने का चम्मच काली मिर्च शामिल की जाएगी। थोड़ी एक चाय का चम्मच इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा पीस के डाला जा रहा है। जायके के लिए इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला भी शामिल कर रहे हैं, शान तिक्का मसाला। इससे जायके के लिए अगर आप नहीं चाहते तो इसमें आप ये मसाला ना शामिल करें। इसमें सुर्ख मिर्च हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि सुर्ख मिर्च जो है वो मैदे में थोड़ी सी तेजाबियत पैदा और बेचैनी पैदा करती है। पहले डाल दिए ना, अब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ले आओ। मसाला डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह हिलाते रहना ताकि पानी डाल लो, जो सब्जी है पानी पाना वो आप मिक्स हो जाए और मसाला जो है
चीज़ों के अंदर रस बस जाए, चिकन इंडिया के साथ ना लगे। तो आपका मसाला तैयार हो जाए और थोड़ा सा ऑयल छोड़ दें, तो उसमें आप ये फिश डाल दें जो आपने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। फिश को पहले से फ्राई इसलिए किया था ताकि अगर मसाले के अंदर साथ हम फ्राई करते तो फिश के टुकड़े हो जाने थे, फिश थोड़ी सी सलामत रहे, इस वजह से इसको पहले से हमने फ्राई करके रखा। गल एक ही वादा साहब टेढ़े जाके पतली होनी है तो एक जड़ी गल हमें सलामत रहे। ये बताया कि मछली ने खतरबूत हो जाना था इसलिए जुम्बा तुसी साडे वगर देसी बंदियां नु खवांदे पे ओ ते गल्ला पीणियां के करदे पे। व्यूअर नु भी ते दिखाना ना कि कोई शय बनाई है, उनु आए तब लगे कि कोई हक्का बना दे। व्यूअर साडा बड़ा सियाणा है, बड़ा अकलमंद है। इसमें थोड़ा सा हमें हल्का सा पानी डाला है ताकि उसको थोड़ी तरी सी आने लग रही है, नीचे जो है हंडिया के साथ ना लगे मसाला। फिश का सालन हमारा तैयार है और प्लेट में डाल के अभी सर्व किया है। अभी हम आपको खा के इसका टेस्ट बताएंगे और जिन्होंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया उनसे हम इसका जायके के बारे में पूछते हैं। जी भट्टी साहब बहुत आपको ये कैसे लगे? जजाकला बहुत ही मज़ेदार है वाकई। ये हमारी हंडिया है। मैं नईम साहब को कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई काम ना मिले तो कुकिंग का काम कर लीजिएगा, क्योंकि इनके हाथ में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी। बिल्कुल, ये नईम साहब हमारे बहुत अच्छे शेफ़ हैं।